आपको अंदाजा भी है मिस्टर त्रिवेदी आप क्या कर रहे हैं? मैं किसी की पत्नी हूँ, मुझे बांसुरी बजाकर बुलाना, फिर कहना कि किस कर दूंगा, फिर हाथ पकड़ना, ये सब कुछ गलत है। ना तो यहाँ कोई मजाक चल रहा है, ना ही कोई खेल। ना तो ये शहर वृंदावन है, और ना ही मैं बरसाने से आई हुई वो राधा हूं जो आपके घर में रहा करती थी। वो टाइम, वो सिचुएशन, सब कुछ बदल चुका है मिस्टर त्रिवेदी। ये सब कुछ करके ना आप राधा को मना सकते थे। राधिका कोहली कौन है? अब आप ये बताइए कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो कहाँ है? बताइए। मुझे नहीं पता राधिका कहाँ है। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि राधिका कहाँ है और मैं आपकी बात को मान रहा हूँ? अब इतना तो आपको पता है ना कि मेरी गिद्ध की नजर है, और मेरी गिद्ध की नजर मुझसे कह रही है कि आपकी डरी हुई आंखें सोच कुछ और रही हैं और कह कुछ और। चलिए अब बताइए कि मेरी बीवी कहां है। 1, 2। सच में मुझे नहीं पता राधिका कहां है। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? वो तो मैं अपने बाप का भी नहीं करता, ना मैं अपना करता हूं। अपना तो मैं वाकई नहीं करता कि मैं कब, कहां, कैसे लेडी फिंगर्स को पकड़ लूं। ये काट देता हूं, कुछ तो बेटर हो जाए। अब आप मुझे ये बताओ मेरी बीवी कहाँ है? मेरे पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। युग कहाँ है? युग सच में मुझे नहीं पता। आजा 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 आजा। अरे आजा भैया। आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुझे ऐसा लगा हम लोग लड़ रहे? तुझे इतना खराब लगता हूँ? मम्मा हम लोग लड़ रहे थे? नहीं। अरे मैं तो इनसे प्यार से पूछ रहा था कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, मुझे बताओ राधिका कहाँ है। तुझे पता है? पता है ना कहाँ है? नहीं भैया नहीं पता। तुझे भी नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के सारे मेंबर किराए पे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है, आते हैं खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। कमाल हो गया, मतलब हमारे घर के मेंबरों को ये ही नहीं पता कि मेरे घर। दरवाजा क्यों खुला है? सब लोग घर के अंदर है ना, तो घर के बाहर कौन गया? राधिका? अच्छा अब देखिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको तो धप्पा कर दिया ना, अब धप्पा किसी और को करना है। आई स्पाई में एक धब्बा एक ही बार। युग, युग रुक जा, मेरी बात सुन। युग, इसलिए बार बार मैं आपसे बात कह रही हूँ और फिर आपसे कह रही हूँ कि मैं आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकती और ना ही आना चाहती। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें।
सबके लिए अच्छा होगा। क्या बात है मोहन बाबू, कमाल की गेम चल रही है। किसी ने सही नाम रखा है आपका, मोहन। असली रासलीला तो आप ही खेल रहे हैं। खैर हमको क्या, लीजिए मौज। छूने नहीं दे रही हूं तो आप मुझे छूने के मौके ढूंढ रहे हैं। मैं किसी की पत्नी हूं, समझ में क्यों नहीं आता है आपको? इतना कैसे बदल सकते हैं आप? इतना कैसे कर सकते हैं आप मिस्टर त्रिवेदी? देखो ना, तुम्हें बदला हो और ना इतना गिरा हुआ हो कि किसी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ छू। मैंने तुम्हें गले सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि युग दरवाजे पर खड़े होकर अंदर देख रहा था। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें, कि हम सबके लिए अच्छा होगा। भी बाहर कहीं खड़ा होगा वो यहीं पर, इसलिए धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। और रही बात तुम्हारी इज्जत की ना, तो तुम्हारी इज्जत की परवाह मुझे शायद तुमसे ज्यादा है। पर फिर भी अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो हम सॉरी। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम जाकर देख सकती हो। हाय मिस्टर यू। हाय। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मतलब ये कौन सा, मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है। नहीं यार, एक्चुअली काफी रात हो गई तो मैं थोड़ा पूछ लूं। रात को कभी कभी मन होता है कि टहल लिया जाए खाना खाने के बाद, तो मुझे लगा चलो भगवान ने इतने अच्छे रोड दिए तो टहल लेते हैं। फिर देखा कि त्रिवेदी जी के घर की लाइट जल रही थी, तो मुझे लगा हाय बोल देते हैं। यू आर गुड? आई एम गुड, आई एम गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। ख्याल मेरे दिमाग में आया, ये सही है कि अगर मोहन की मीरा जी यहाँ है तो मोहन जी कहाँ है और किसके साथ है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये तो देखना बनता है भाई। मिस्टर
गोली आप यहाँ इतनी रात को और जगे हुए हैं? नहीं, वो मनन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, वो सोच सोच के ही नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने विंडो से देखा कि आपकी घर की लाइट जल रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद आप उठे होंगे, तो मैं यहाँ पर आ गया। पर आप अभी तक जागे हुए हैं, मीरा जी आई नहीं? मीरा जी? नहीं, नहीं आई वो। क्यों? बाहर ही गाड़ी पार्क कर रही है, मैंने देखा अभी। आती होंगी फिर। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ मीरा, दूसरी तरफ हीरा, दोनों हाथ में लड्डू हैं यार, मौज हो रही है, मौज। क्या बात है। युग को झूठ बोलकर जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उतनी मुझे भी हो रही है। युग बहुत अच्छा इंसान है, मेरी एब्सेंस में उसने तुम्हारा ख्याल रखा, हमारे बेटे को उसका नाम दिया, उसे अच्छी परवरिश दी, और इसके लिए ना मैं जिंदगी भर उसका एहसान मंद रहूंगा। मैं कभी युग के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा सच ये है ना कि मेरे सच से ज्यादा उसे तुम्हारा झूठ चोट पहुंचाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना तुम प्लीज जाकर युग को सच बता दो, इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाओ तुम, उसे और धोखा मत दो तुम प्लीज। अगर आपको युग की इतनी फिक्र है मिस्टर त्रिवेदी, फिर उस अच्छे इंसान की अच्छाई को देखते हुए मेरे और मेरे पति युग की लाइफ से दूर चले जाइए आप, क्योंकि अब आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है मिस्टर त्रिवेदी। जो कुछ भी है वो मेरे पति युग है। वही मेरे बेटे के पिता भी हैं। क्या आपने किसी और को देखा है वहां? आप उसका चेहरा देखिएगा, आपको लग रहा है कि उसके चेहरे पे बताने लायक हिम्मत है, कितना डरा हुआ है? आप इंक्वायरी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दीजिए सर। कंचे जरा कम खेला करो, नहीं तो अगर कोई टेढ़ा मिल गया ना तो ये कंचे भी गायब कर देगा तुमको भी। आई डोंट थिंक सो, युग अंकल इतने अच्छे इंसान है, कुछ तो गड़बड़ है उनके बारे में, अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, गुस्से में जोक करते हैं, जोक में गुस्सा दिखाते, कुछ पता ही नहीं चलता है। पर जो कुछ भी हो मैं सच पता लगा के रहूंगी, क्योंकि वो युग अंकल के वो अच्छे इंसान के ड्रामे की वजह से ना रामा पापा की लाइफ में वापस आ पा रही है, ना पापा रामा को आप इस घर लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। मुझे युग कोहली के बारे में सारा सच पता करना ही होगा।
मनन ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, पर क्या तुम ठीक हो? या इतनी रात को तुम यहां सब ठीक तो है ना? हाँ। कोई काम था? वो बस मेरा कुछ सामान रह गया था तो वही लेने आई थी। मीरा तुमसे एक बात कहूं, जो सामान अपना होता है ना, जो दिल के बहुत करीब होता है, उसे कभी नहीं छोड़ते। उसे अपना बनाकर रखते हैं। कस के पकड़ कर रखते हैं। और जिंदगी भर उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। प्रिया, प्रिया राधिका तुम्हारे घर पर है क्या? नहीं नहीं बाकी सब ठीक है, मैं बस पूछ रहा था। नहीं अच्छा नहीं, एवरीथिंग इज ओके, कूल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सुनैना को कॉल करता हूँ, उसको पता होगा। कब तक कॉल? Pick up the call, pick up the call. Hi, hi, Sunaina, Sunaina, Sunaina. कैसे हैं आप? Very good, thank you so much. Sunaina, राधिका वहाँ पर है क्या? नहीं? Any idea वो कहाँ पर? कोई phone call? अच्छा. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो phone नहीं उठा रही, मैं मुझे लगा वहाँ पर. Okay, thank you. राधिका प्रिया के घर पे है ना, सुनैना के घर पे, और तो कहीं जाती भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। चक्कर क्या है? कहाँ जा सकती है? राधिका युग तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा है, अगर उसे पता चला कि इस वक्त तुम घर से बाहर गई थी तो वो बहुत सारे सवाल पूछेगा तुमसे, जिसके जवाब तुम उसे नहीं दे पाओगी।
योगा यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? सब ठीक है ना? अरे क्या ठीक है यार, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ठीक है? मैं पता है कितना परेशान हो गया तुम्हारे लिए, किस किस को फोन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुमको, अंदर बाहर हर जगह पूरी दुनिया ढकछान मारी है, और तुम पूछ रहे हो कि इतनी रात को क्या कर रहे हो? मुझे शौक थोड़ी ऐसे घूमने का। सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलिए, टेंशन हो रही थी। पर कहाँ थी तुम, गायब थी, कहाँ थी?